वो आरक्षण के प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में तो है, लेकिन वो कहते हैं कि ओबीसी को भी दे दो, वो ये नहीं कहते कि वो आरक्षण ना दो। और ओबीसी को मिलते ही साथ हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तो करेंगे उनके। अच्छा अश्विन जी एक बात बताइए कि मुलायम सिंह के इस बयान को कितना गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाली राजनीति पर कितना असर डालेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, आने वाली राजनीति पे सोसी बयानबाजी है अभी तक, मुझसे लगता है कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि उसका जो होना है हो रहा है और मेजोरिटी है, कोई भी सरकार किसी भी स्थिति में सरकार गिरने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मेजोरिटी में है। यानी कि आपका कहना है कि मुलायम के बयान पे जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, जनता तो वैसे भी भरोसा नहीं कर रही है, जनता को इसमें कोई भरोसा नहीं कर रही है, ये सब बेकार की मतलब ये अपनी अपनी बात है और अपने अपने स्टैंड हैं, अलग अलग बयान है। अभी पीछे कल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की योग्यता नहीं है, आज उन्होंने कहा कि राहुल राजनीति में आना चाहिए, तो अलग अलग बयानबाजी है, स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा है कि जो इतना बड़ा मुद्दा कोयला का है, ये का है, तो हर आदमी उस पर लगा है, हर आदमी अपनी पार्टी उपस्थिति दर्ज करा रहा है कि हमारा ये बात है, हमारी ये बात है, भाजपा एक मुद्दा बनाई है कि कोयला का मुद्दा भाजपा अकेले ने ले कूड़े, इसलिए मुलायम सिंह भी इसमें कूद पड़े हैं। जी, यानी कि कोयले का लाभ सबको मिल जाए, इसी में लगे हुए सब। हाँ, कोयले का लाभ सबको मिल जाए, इसमें लगे। धन्यवाद अश्विनी जी। कुल मिलाकर बात यह है कि अश्विनी जी जो कि यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बड़ा आंकलन यह है कि मुलायम कांग्रेस पे भरोसा करे या नहीं करे, कांग्रेस मुलायम पे भरोसा करे या नहीं करे, लेकिन मुलायम पे जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रताप जी, इस पूरे डिस्कशन में तो यही बात निकलकर सामने आई, जैसे कि अश्विनी कुमार जी का भी कहना है कि मुलायम सिंह जो बात करते हैं कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली बात तो यह है कि खुद मुलायम सिंह जो है भरोसेमंद नहीं है। फिलहाल कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मुलायम सिंह कितने विश्वसनीय हैं, जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस अब भरोसेमंद नहीं है। क्या कहा मुलायम सिंह ने, ये भी आपको सुनाते हैं। समर्थन हमारा नहीं है, एक बात तो समर्थन सत्ता स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की साफ नीति है ठेकापतों के खिलाफ, समानता के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ। जब अगर कहीं सामुदायिक शक्ति बढ़ेगी और कांग्रेस कमजोर होगी, उस समय हम कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। वैसे हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग एक ही मुद्दे पर है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कहीं कमजोर न हो जाए। ये तो अभी अपनी अपनी शक्ति से चुनाव लड़ेंगे पूरी तरह, और चुनाव के परिणाम के बाद क्या परिस्थिति बनती है। तो ये कहना है मुलायम सिंह का। प्रताप जी, मुलायम सिंह जो है बहुत छटपटा रहे हैं तीसरे मोर्चे की कवायद के लिए। बयान से लगा पूनम कि उन्होंने एक दाव और अपने हाथ में रखा, वो उन्होंने हाथ में रखा है सांप्रदायिक शक्ति वाला। जब लगेगा कि उनको नहीं कांग्रेस को बचाना है तो कहेंगे कि सांप्रदायिक शक्ति आ गई, और जब लगेगा कि नहीं कांग्रेस को पटकना है तो कहा भ्रष्टाचार हो गया। यानी कि मुलायम सिंह जो पहलवानी में जो गुर सीखे, जो अखाड़े में जो उन्होंने सारे दाव पे सीखे, सारी जेब में लेके चलते हैं, और खाटी पहलवान राजनेता है, इसलिए जनता उन पे भरोसा करे या न करे, क्योंकि कभी भी कोई भी दाव आ सकता है उनका। प्रताप जी, मुलायम सिंह जो है अपने नाम को बिल्कुल चरितार्थ करते हैं, बहुत ही मुलायम है, उनके जो बयान आते हैं बहुत मुलायम होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी भी पलट जाते हैं। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है, लेकिन उनका पिछला कार्यकाल और जो पिछला उनका सब कुछ देखा जाए तो लगता है कि जनता भी समझ चुकी है कि भरोसा उन्होंने कांग्रेस ने उनपे किया है और उन्होंने कांग्रेस पे किया है जी। और लेकिन जो भरोसा तोड़ा भी सबसे ज्यादा मुलायम सिंह ने, कि अपना जो वक्त देखते ही वो पलटी खा जाते हैं यहाँ पर। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें।